रेस्टोरेंट से भी टेस्टी यम्मी और टेम्पटिंग पनीर लबाबदार सब्जी और तंदूरी रोटियां आज घर पर बनाएंगे। तो ये देखिए, देख रहे हो ना आप लोग कितनी टेम्पटिंग सब्जी बनी है, साथ में तंदूरी रोटियां फूली फूली सी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जी ली है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्ची है, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, लहसुन लिया है, फिर क्लव्स लिए हैं यानी कि लौंग और इलायची, और काजू के 6-7 टुकड़े लिए हैं। अब सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच जितना हमें ऑयल ऐड करना है, और ऑयल गर्म हो जाने पे इसके अंदर ऐड करेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग ऐड करनी है, फिर इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे जैसे कि तेज पत्ता है, 2 यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ली है, छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पे दालचीनी का लिया है, साथ ही 3 लौंग और 3 हमने इलायची के टुकड़े लिए, और उसके साथ ही ऐड कर देंगे 2 लहसुन की कलियाँ, बिना कट किए ऐसे ही डाल देनी है, साथ में जो अदरक कट किया था वो ऐड कर देंगे, 1 इंच का टुकड़ा है, और हरी मिर्ची 2 ली थी जिसे हमने छोटा कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज हमने यहाँ पे 4 लिए थे मीडियम साइज़ के, और उसे हमने बड़ा बड़ा कट किया है, ज़्यादा छोटा कट नहीं करना है, और बड़ा कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो प्याज है ना उसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, जब तक ये थोड़ी सी पिंक कलर की ना हो जाए बिल्कुल इस तरह से, तब तक हम इसे पकाएंगे। और ये देखिए है ना, मस्त पिंक कलर की हो गई। अब इसके अंदर ऐड कर देना है टमाटर, टमाटर को भी हमने बड़ा बड़ा सा कट कर लिया है, साथ ही हमने 6-7 हम यहाँ पे काजू के टुकड़े लिए हैं वो ऐड कर देंगे। काजू के टुकड़े आप कम लीजिएगा, काजू का जो टेस्ट होता है ना वो क्रीमीनेस आ जाती है उससे, वो ज़्यादा हमें नहीं चाहिए लबाबदार में, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा ही ऐड करेंगे। और फिर इसके अंदर मसाले कर देंगे जैसे कि हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, और फिर थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तो नमक ना हम सिर्फ सब्जियों के लिए ऐड कर रहे हैं, बाकी ग्रेवी का जो नमक होगा वो हम अलग से बाद में ऐड कर देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे सब्जी का ऐड किया है जिससे कि ये पक जाए, इसे अच्छे से मिला के हमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है जिससे कि सारी सब्जी अच्छे से सौगी थोड़ी सी हो जाए और अच्छे से पक जाए। और इसे अब हम ढक के इसे 6-7 मिनट के लिए पकाना है। तब तक क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पनीर को बड़े बड़े से फिंगर्स जैसा कट कर लिया है, और अब इसके अंदर हमें मैरिनेशन के लिए मसाले करने हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, फिर धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे, और अब इसके अंदर ऐड करना है ऑयल जिससे कि सारा जो मसाला है वो अच्छे से हमारे पनीर के ऊपर चिपक जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, हमें सब कुछ बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि पनीर के ऊपर सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए, और फिर ना इसे अच्छे से हमें टॉस कर लेना है जिससे कि जो मसाला आजू बाजू चिपका हो ना वो भी सारा पनीर के ऊपर चिपक जाए बिल्कुल इस तरह से। तो ये हमारा पनीर तो मैरिनेट होकर रेडी हो गया है, अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। तो 10 मिनट के लिए इसे ढककर हम साइड में रख देंगे, तब तक हमारी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी अच्छे से उबल गई है, देख रहे हो आप लोग, पानी अच्छे से उबल गया है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से टमाटर और प्याज हो गए हैं। अभी इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है क्योंकि हमें पूरी की पूरी सब्जी जो है ना वो पकी हुई चाहिए, बिल्कुल भी इसके अंदर कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो तब तक क्या करेंगे, हम हमारी तंदूरी रोटी का आटा गूंथ लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है मैदा, मैदे को अच्छे से हमें छान लेना है। अब यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस है, अगर आपको सिर्फ मैदे का ना खानी हो रोटियाँ तो आप इसके अंदर थोड़ी सी गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आटे के अंदर स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल देना है मोइन के लिए, और अच्छे से इसका आटा गूंथ लेना है। तो आटा हम इतना सॉफ्ट गूंथेंगे जितना हम रोटी का बनाते हैं ना उतना सॉफ्ट रखना है आटा, और आटे को गूंथ के हमें थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। तब तक के लिए हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है, उसके अंदर से हमने जो खड़े मसाले थे वो निकाल दिए हैं, और जो सब्जी है उसे हमने मिक्सर जार में ले लिया है। मिक्सर जार को बंद करके इसकी ग्रेवी बना लेनी है। तो ग्रेवी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए ना कि एकदम लबाब आना चाहिए लबाबदार में से, तो इसके लिए हमें इसको छानना पड़ेगा। तो ग्रेवी बना के छान लेना है। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सब्जी है वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी हो, फिर ही उसकी ग्रेवी बनाइएगा। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी भी रेडी है, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्याज और कैप्सिकम को अच्छे से कट कर लिया है डाइस कट। अब फिर से कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा ऑयल चाहिए होगा
तो 4 चम्मच जितना ऑयल और उसके अंदर 2 से 3 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे, क्योंकि सब्जी के अंदर जो घी डालेंगे ना तो एक देसी वाली फीलिंग आएगी, टेस्ट आएगा। फिर उसके अंदर ऐड करनी है थोड़े से हींग और फिर प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से पकाने के बाद फिर इसके अंदर ऐड करनी है कैप्सिकम। तो कैप्सिकम को हमने यहाँ पे छोटा डाइस कट कर लिया, देख रहे हो आप लोग, तो ये जो चंक्स आते हैं ना कैप्सिकम के वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप ज़्यादा ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर इसके अंदर हमने जो ग्रेवी छानी थी ना वो ऐड कर देंगे। तो छानने से ना इसका जो स्मूदनेस है ना ग्रेवी का वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और मेनली लबाबदार में छानी हुई ग्रेवी ही यूज़ करते हैं। इसकी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है पर टेस्ट उतना ही ज़्यादा आता है। अब जब तक हमारी सब्जियाँ यानी कि प्याज और कैप्सिकम ग्रेवी के साथ पकते हैं तब तक एक और कढ़ाई लगा देंगे साइड में, और उसके अंदर ऐड कर देना है घी। और फिर यहाँ पे हमने ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट होता है वो, तो वो चटक गया है। अब उसके अंदर ऐड करने हैं हमने जो मैरिनेटेड पनीर साइड पे रखे थे ना रेस्ट करने के लिए, वो ऐड कर दिया है। और इसे अच्छे से हम टॉस कर लेंगे, मिक्स कर देंगे। ज़्यादा मिक्स करना नहीं वरना ये टूट जाएगा, ठीक है, इसलिए हल्का हल्का सा सिर्फ आप कढ़ाई को हिला के इसको मिक्स कर दीजिएगा। और फिर जो ग्रेवी है ना उसके अंदर मसाले कर देंगे, तो जो बाकी का नमक ऐड करना था वो ऐड कर देंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला ऐड करके इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देना है। फिर मिलाने के बाद इसके अंदर जो हमने पनीर को फ्राई किया ना थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और घी के अंदर वो डाल देना है। तो जो उसके ऊपर चिपका हुआ हो ना कढ़ाई में वो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, कि क्योंकि जो कढ़ाई में चिपके हुए पनीर का टेस्ट होता है उसका मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी शक्कर 1 चम्मच और ढेर सारा क्रीम ऐड कर देना है। यहाँ पे हमने फ्रेश क्रीम लिया है वही ऐड कर देना है, और जितना पसंद हो आप क्रीम उतना ऐड कर सकते हो, उसकी कोई क्वांटिटी में कोई पाबंदी नहीं है आपको, ठीक है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लास्टली कसूरी मेथी। तो ये सब्जी ऐसी है ना कि जितना इसके ज़्यादा घी तेल होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर स्वाद आएगा। तो अगर आप तेल और घी में परहेज़ करेंगे तो आपको टेस्ट में भी परहेज़ करना पड़ेगा, इसलिए कभी कभार तो इतने तेल वाला खाना खा ही लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आटा जो है उसे फिर से हम मसल लेंगे, थोड़ा सा चिकना कर लेना है अच्छे से मसल मसल के, और उसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगाएंगे, और घी लगा करके फिर से हमें इसे मसल लेना है। तो इससे क्या होगा ना कि आटा जो है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और स्मूथ हो जाता है, जिससे कि हमारी रोटियां बहुत ही अच्छी फूली फूली बनेगी। अब हम एक गैस ऑन करेंगे फिर से, उसके ऊपर तवा रख देंगे, फिर एक बड़ी सी लोई लेंगे हम आटे की, उसको हमें सूखे आटे के अंदर अच्छे से कोट कर लेना है, और फिर इसकी रोटी बेलेंगे। यानी कि जो तंदूरी रोटी है वो थोड़ी सी मोटी होती है पराठे जितनी मोटी होती है, और पतली ज़्यादा नहीं होती है हमारी रेगुलर रोटियां जैसी, इसलिए रोटी हमने मोटी सी बेली है। फिर उसकी एक साइड पर हमें थोड़ा सा पानी लगा देना है, और थोड़ा सा पानी हम हमारे तवे पे भी छिड़क देंगे, और फिर रोटी उसके ऊपर लगा देंगे, जिससे कि रोटी जो है ना वो तवे पे चिपक जाएगी। और ये देखिए इसके अंदर बबल्स होने लगे, देख रहे हैं कैसी फूली फूली सी रोटियां बनेंगी। फिर तवे को इस तरह से पलटा देना है, यानी जो गैस की फ्लेम होती है ना उसकी थोड़ी सी आँच जो है वो रोटी के ऊपर आए, इस तरह से हमें पलटाना है, और ज़्यादा उसके ऊपर रख मत दीजिएगा वरना फिर रोटी जल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ऊपर ऊपर से कीजिएगा तो अच्छा सा इसके ऊपर ब्राउन कलर भी आ जाएगा। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे इंस्टेंटली, जिससे कि घी भी मेल्ट हो जाएगा मस्त वाला। और अब इसे रोटी को निकाल लेंगे एक प्लेट में, बस सेम तरीके से हम बाकी की तंदूरी रोटियाँ भी बना लेंगे और अब सर्व कर लेंगे। तो अब हमारी सब्जी रेडी है, इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा और क्रीम ऐड कर देंगे, और ये हमारी पनीर की सब्जी, पनीर लबाबदार की सब्जी और तंदूरी रोटियां रेडी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो।